जय हिंद। आज हम मानव जीवन को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम आज बात करेंगे आर्टिकल 21 का, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो देखिए इसमें है क्या, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कितना महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि यह विदेशियों को भी मिला हुआ है, भारतीयों को भी मिला हुआ है, नॉन सिटीजन को भी और सिटीजन को भी मिला हुआ है। इसमें कहा क्या गया है, देखिए इसमें जो वाक्य यूज किया गया है भारतीय संविधान में, उसको एक बार देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, मतलब कोई भी हो, नागरिक हो चाहे अनागरिक हो, कोई भी हो, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, यानी कि उसके लाइफ से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी से, केवल, यहां देख रहे हैं, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके आप समझिए। देखिए यहां तो व्यक्ति लिखने से स्पष्ट है कि यह आर्टिकल, ये जो अधिकार है यह सबको देता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो। यहां लाइफ की बात हुई, प्राण की, लाइफ का क्या मतलब होता है। लाइफ देखिए बहुत विस्तार से इसको भारतीय संविधान में नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस जाता रहा, जैसे गोपालन का केस गया, उसके बाद मेनका गांधी वाला मामला गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ को बहुत विस्तार से परिभाषित कर दिया। कहा कि लाइफ के अंदर जीवन जीने का अधिकार होगा, लाइवलीहुड, यानी कि काम पाने का भी अधिकार है, एजुकेशन पाने का अधिकार है, लाइफ में ही है। अगर एजुकेशन ही नहीं मिले तो लाइफ कैसा हो जाएगा जी, पशु के समान हो जाएगा। कहा भी गया है संस्कृत में कि जिसके अंदर में शिक्षा नहीं है वह मानव पशु के समान होता है। साथ ही इन्फॉर्मेशन पाने का, यानी सूचना पाने का अधिकार है, आप छुपा नहीं सकते हैं। अगर आप सरकार है तो जनता को एक अच्छा और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए, ट्रांसपेरेंसी देने के लिए इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है। प्राइवेसी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता का ख्याल रखने का अधिकार है। ये क्या होता है, देखिए निजता कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का अधिकार है। बच्चे पैदा करने का भी एक निजी मामला होता है, कोई भी माँ बाप ये फैसला कर सकता है कि बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, कब करना है, ये उसका निजी फैसला है। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है कोई भी, ये प्राइवेसी है ना। और अगर उसको एकांत अवस्था में रहना है, कहीं पे मान लेते हैं योग की मुद्रा में, कहीं कुछ वहाँ भी रह सकता है, उसको अकेले रहने का भी अधिकार है, प्राइवेसी है ये। सरकार उसमें बेदखल नहीं करेगी, कोई भी पड़ोसी जबरदस्ती उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये नहीं कि अब हमको घूमने फिरने का आज़ादी है तो हम चलते चलते उसके बेडरूम में पहुँच जाएंगे, नहीं, वो उसकी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। देखिए अब आप प्राइवेसी को एक उदाहरण से समझ लीजिए कि इसके अंदर में और क्या क्या है निजता का अधिकार में। देखिए 2017 में वो मैटर गया था कोर्ट में, जिसमें हुआ क्या था कि रात में 2 बजे के आसपास एक शादीशुदा जोड़ा था, पति पत्नी, वो पत्नी 2 बजे के रात में वह चैटिंग कर रही थी सोशल मीडिया पे कहीं किसी से, और पति ने उसको जब मांगा कि लाओ बताओ मोबाइल लाओ, किससे बात कर रही हो, तो वो पत्नी जो है उसमें पासवर्ड लगा दी और लॉक करके अपने पति को दी, और पति उसको देख नहीं पाया, वो तो लॉक था, बड़ी तेज थी। वो चली गई कोर्ट में, कोर्ट में जाके कहती है कि हम कोई पत्नी पति का संपत्ति नहीं हो जाता है, शादी कर लेने भर से कोई पत्नी किसी पति का संपत्ति नहीं होता है कि जो मर्जी आए वो करेंगे, और हमारा खुद का एक निजता का अधिकार है जिसके तहत तो अपना पासवर्ड हम इसको दे चाहे नहीं दे, ये हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये बात तो सही है कि कोई भी पत्नी अपना पति का संपत्ति नहीं होता है, और पासवर्ड जो होता है वो निजी मामला है, वो अपने पति के साथ शेयर करना चाहती तो कर सकती है, नहीं तो नहीं भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो आप चैटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब किसी से फंसी हुई थी, किसी के साथ अफेयर चल रहा था उसका, तो एक तरह से धोखा दे दिया ना अपने पति को, पति को धोखा देने के बराबर हुआ। तो कहने का मतलब है पति के साथ क्रूरता हो गया एक तरह से, तो उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा पति को कि आप इसके आधार पे उस ग्राउंड पे तलाक ले सकते हैं, लेकिन आप अपने पत्नी को मार पीट नहीं सकते हैं, बल्कि उसका भी एक लिबर्टी है, वह चाहे तो किसी के साथ अफेयर में भी रह सकती है, यह उसकी लिबर्टी है। लेकिन भाई साहब अगर शादीशुदा जिंदगी बचाना हो तो दूसरे के साथ अफेयर में तो नहीं रहेगी,
लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया है कि अफेयर में रह सकती है, उसका निजी अधिकार है, निजता है वो, तो फिर वो ग्राउंड बन जाएगा, उसका पति उसके साथ तलाक ले सकता है उसी ग्राउंड पे। तो ये चीज़ें कोर्ट ने कहा था। देखिए ऐसे ऐसे होता है, ये सब आर्टिकल 21 में ही है, आर्टिकल 21 का बहुत विस्तार है। अब देखिए 21 में एक और आर्टिकल है, 21 क, आर्टिकल 21 में एक क है जिसको ए बोलते हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार। देखिए डिग्निटी है, यानी कि गरिमा है। लाइफ का मतलब होता है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि जीवन मिल गया है और हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे, उसमें डिग्निटी होना चाहिए, यानी कि गरिमा होना चाहिए। ये नहीं कि जिंदगी मिल गया है अब उसको गर्दन में जो है ना सिक्कर बांध करके उसको बांध के रखेंगे, अच्छा अच्छा खाना देंगे, तो क्या हुआ, एक तरह से गुलाम हो गया ना जी, उसको डिग्निटी के साथ लाइफ तो मिला नहीं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खाना होना तो मिल रहा है और उसको गालियां पड़ रही है ना, कोई उसको टॉर्चर कर दे रहा है, उसको जाति के नाम पे टॉर्चर कर दे रहा है, उसको धर्म के नाम पे टॉर्चर कर दे रहा है, उसको छोटा दिखा रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, नहीं तो उसका लाइफ डिग्निटी के साथ मेंटेन नहीं हो पाएगा। लाइफ को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लाइफ वही होगा जो डिग्निटी के साथ जीना पड़े, जीना जिया जाए। ये नहीं कि आप उसको बेइज्जत कर दें, अब कोई आदमी है उसको नंगा करके उसको रोड पे दौड़ा दीजिए, अरे भाई जिंदा तो है ही वो, लेकिन उसका डिग्निटी का क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा बहुत सारे मामले में ऐसा है, डायन प्रथा चलता है गाँव में, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को बाल को काट दिया गया और उनको निर्वस्त्र कर करके गाँव में घुमा दिया, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। लाइफ में ये नहीं आता है, अगर करते हुए पकड़े गए तो पुलिस पकड़ेगा और अच्छे ढंग से तुराई भी कर सकता है। इसमें हेल्थ आता है, लाइफ में क्या है, आप ऐसा लाइफ नहीं जी सकते हैं जो एकदम रोगी हो, लूज पूज हो, इसका मतलब आपको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। तो स्वस्थ जीवन कैसे जिएंगे आप, अगर आप ऐसा वातावरण में रहेंगे जहाँ इतना पॉल्यूशन फैला हुआ, इतना कचरा हो, इतना गंध आता हो, इतना साउंड हो, तो आप जिंदा कैसे रह पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए पॉल्यूशन फ्री वातावरण पाने का आपको अधिकार है, लाइफ में वो आता है। ये मेनका गांधी वाला मामला जो गया था उसमें इसको डिफाइन किया था। कहने का मतलब है कि सरकार से आप डिमांड कर सकते हैं कि देखो यहाँ पॉल्यूशन फैल गया है, इसको ठीक करो, ये भी आप कर सकते हैं। कोई पर्सनल आदमी भी इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर सकता है। अब गाड़ी का साइलेंसर आपका खराब है, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है, आप उसको चला रहे हैं, अब लोग उसमें धुआं में सूंघ रहे हैं और सूंघ करके उसको अपने अंदर में डालना है, तो इससे क्या होगा, उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब ये जो स्वास्थ्य आप उसको खराब कर लेगी, इसीलिए ना पुलिस आपकी गाड़ी को पकड़ करके और थाने पर ले जाती है, उसको जब्त कर लेती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है से कि हमको घूमने फिरने का आज़ादी, आप मेरा गाड़ी को जब्त कर लिए, नहीं, तो दूसरे के स्वास्थ्य से आप खिलवाड़ कर दिए ना, इसलिए वो पकड़ लेता है। तो ये चीज़ है, आप समझ गए। इन्वायरमेंट अभी आपको बता ही दिए, इन्वायरमेंट एकदम पॉल्यूशन फ्री आपको चाहिए, तभी तो आपका हेल्थ सही रहेगा। तो ये सारे चीज़ें आती है आपको लाइफ के अंदर में। देखिए प्राण को कितना ज़्यादा डिफाइन किया गया है, ये चीज़ है। अब देखिए दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, पर्सनल लिबर्टी क्या होता है। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है हमको अधिकार है, अगर हम युवा है, मान लेते हैं 18 साल के एज की लड़की हो गई या उसके ऊपर हो गई, और 21 साल का या उसके ऊपर का कोई लड़का है, दोनों एक दूसरे को पसंद करता है, भले ही दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों का धर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करता है और वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो उसको करने का अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि भैया दूसरे धर्म का है तुमको टॉर्चर कर देंगे, कोई भी माँ बाप तक नहीं रोक सकता है। माँ बाप को भी ये अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे को टॉर्चर कर दे और उसको मारे पीटे, उसके साथ बदमाशी करे। लेकिन भाई साहब देखिए, ऐसा मत समझिए कि 18 साल 21 साल हो गया तो आप समाज के नियमों को तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कि नैतिकता भूल जाइए, समाज में एक व्यवस्था भी तो बना रहना चाहिए ना, अनैतिकता नहीं फैलाना है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि लिबर्टी है तो इसको एकदम नाजायज तरीके से लाभ उठाते रहे, है ना। जो माँ बाप पालता है और समाज है आपके प्रति कुछ अपेक्षा भी रखता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज़ है इसमें दैहिक स्वतंत्रता में। साथ ही साथ ये भी अधिकार है कि आप विदेश में घूम सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं, आपको विदेश में घूमने का भी अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता में आता है, पर्सनल लिबर्टी है भाई। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे इस तरह से डिफाइन करता है, सिर्फ देश के अंदर में ही घूमने का आज़ादी नहीं है, देश के अंदर घूमने का आज़ादी आर्टिकल 19 में है, लेकिन विदेश में घूमने की आज़ादी आर्टिकल 21 में है, ये भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसमें देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या होता है जी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जो शब्द है इसको लिया गया है जापान से। ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया, जापान से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ को या आपके पर्सनल लिबर्टी को तभी छीना जा सकता है
जब आप कोई कानून का उल्लंघन करेंगे, और जब उल्लंघन करेंगे तभी उसको छीना जा सकता है। तो यहाँ पे है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित होगा। कोई व्यक्ति अगर कोई कांड कर देता है तो ऐसा नहीं है कि नाजायज तरीके से उसको बंदी बना लिया जाए, नाजायज तरीके से उसको गिरफ्तारी हो जाए, नाजायज तरीके से उसको उसके पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि किताब कानून के किताबों में लिख दिया गया है कि अगर ये कांड होता है तो ऐसे चलना है। ये नहीं कि जज अपना मन से कुछ भी करने लगेगा या पुलिस अपना मन से कुछ भी करने लगेगा। किसी को अपने मन से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, बल्कि जो कानून के किताब में लिख दिया गया है कि यह कांड होगा तो ये होगा तभी होगा। मान लेते हैं कि देश के खिलाफ ही आप कुछ कर दिए, है ना, जासूसी का काम कर रहे हैं, देश के डाटा को कहीं और भेज रहे हैं, देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, तो वहां पर्सनल लिबर्टी आपको छीन सकता है। यहां तक कि अगर देशद्रोही है और अगर आपने देश के खिलाफ कोई काम किया है, अखंडता को तोड़ने का काम किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है, हो सकता है आपके लाइफ तक को छीन सकता है सरकार। लेकिन उसके लिए एकदम असली कारण होना चाहिए, और वह कारण जो है एकदम उचित होना चाहिए, रिजू होना चाहिए और युक्ति युक्त होना चाहिए। तो ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर होना चाहिए, ये नहीं भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए, जस्ट एकदम होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, उसका कारण एकदम तार्किक होना चाहिए, तभी उसके लाइफ को, उसके लिबर्टी को छीना जा सकता है। यानी कि लाइफ और लिबर्टी को भी छीन सकता है सरकार, अगर उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी हो रहा है या कहीं ना कहीं आप विधि को तोड़ रहे हैं, तभी नहीं। तो ऐसे सस्पेंड नहीं होता है सामान्य में, ना कोई राष्ट्रपति आपको ये अधिकार छीन सकता है, ना कोई प्रधानमंत्री आपसे अधिकार छीन सकता है, ना मोदी जी छीन सकते हैं, ना राष्ट्रपति महोदय छीन सकते हैं, और ना ही संसद छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता है। ये इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होता है। ये आर्टिकल 20 और 21, ये जो 20 और 21 है, इसको किसी भी कीमत पर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है या वंचित किया जा सकता है, उसके सिवाय और दूसरे किसी भी तरीके से नहीं छीना जा सकता है। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, भले ही जापान से लिया गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, वहीं से आया है, उसी कॉन्सेप्ट को हमने अपना लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी आपको हमने लाइफ की परिभाषा बता दी। पर्सनल लिबर्टी में क्या होता है? आप किसी से भी विवाह कर सकते हैं अगर वो पसंद आता है, लेकिन आपकी एज भी एक फैक्टर होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो चीज़ है। विदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, ये भी बता दिया आपको। प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, मेनका गांधी वाला मामला में 1978 में आया था, इसी में बहुत विस्तार कर दिया गया कि इसके अंदर में और क्या क्या अधिकार आएगा। देखिए इसमें मरने का अधिकार नहीं है। आप कहेंगे कि देखिए जीवन जीने का अगर अधिकार है किसी व्यक्ति को, तो क्या मरने का भी अधिकार है? शुरू शुरू में कोर्ट ने कहा कि शायद मरने का भी अधिकार है, लेकिन बाद में यह आया कि नहीं, मरने का अधिकार इसमें नहीं है। आप अपने जीवन को खुद ही खत्म नहीं कर सकते हैं, जब सरकार खत्म नहीं कर सकती है, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं खत्म कर सकते हैं, तो आप खुद कौन होते हैं खत्म करने? आप राष्ट्र की संपत्ति है भाई। आप ये नहीं कर सकते ये सरकार अब तो जीने का मन नहीं कर रहा है, अब हमको मरने का मन कर रहा है, हमको मरने तो नहीं, मरने नहीं देगा आपको। आप राष्ट्र की संपत्ति होते इसलिए मरने नहीं देगा। अगर सुसाइड करते हुए अगर आपको पकड़ लिया पुलिस, तो फिर आपको जेल हो जाएगा। अगर आप सुसाइड कर ही चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर वो आपको जेल कर देगा। तो आत्महत्या नहीं करना है, सेक्शन 309 के तहत होता है वो। साथ ही साथ पुलिस प्रताड़ना, कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेता है किसी व्यक्ति को, उसको ये अधिकार नहीं है कि उसको टॉर्चर कर दे थाने में। अगर थाने में टॉर्चर करता है वो गलत है, उसका आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, तो पुलिस पे भी चार्ज हो सकता है, पुलिस के खिलाफ FIR हो सकता है, पुलिस की नौकरी जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका शिकायत जरूर करना चाहिए। पुलिस प्रताड़ना में किसी भी व्यक्ति को आप मार नहीं सकते हैं, प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं थाने में। तो ये चीज़ है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा। अब और भी इसके अंदर में और भी कई अधिकार है, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई आपको हथकड़ी लगा देगा ऐसे ही छोटा मोटा कोई आरोप लगा करके। हथकड़ी ऐसे नहीं लगाना है, हथकड़ी तभी लगेगा जब कोई गंभीर मामला होता है, तो उसके खिलाफ भी आपको अधिकार मिला हुआ है। उसी तरह से और भी कई अधिकार है, जैसे आपको अभी हमने निजता का बताया, आश्रय का अधिकार है, लाइवलीहुड का अधिकार है ना,
फूड पाने का अधिकार है, यानी कि भोजन पाने का भी आपको अधिकार है, इसी के अंदर में है। किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रखना है राज्य को, ये नहीं कि निर्धनता है और गरीबी है तो उसको जो है से आप छोड़ दीजिए, बेचारा भूखे रह रहा है, भूखे नहीं, फूड पाने का भी अधिकार है। साथ ही साथ विधिक सहायता पाने का अधिकार है, अगर गरीब है तो सरकार को यह जिम्मेवारी बनता है कि उसको वह सहायता दे, विदेश यात्रा करने का अधिकार है, ऐसे ऐसे और भी कई सारे अधिकार है। जैसे हमने आपको अभी अभी बताया था, अब देखिए इसमें हम आपको एक बार बता देते हैं, इसमें है जीवन रक्षा का अधिकार है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, त्वरित सुनवाई करने का भी अधिकार है, यानी कि अगर आपका केस पेंडिंग चल रहा है बहुत दिनों से तो आप इसके एक्ट के लेके इसका प्रयोग कर सकते हैं कि देखो भैया हमारा केस जो है जल्दी से सुनवाई करो, ये लगातार जो है हमारा सस्पेंड हो रहा है, इस तरह से मेरा जीवन जीने का अधिकार छीना जा रहा है। साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है, इसमें आप बंधुआ मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, हालांकि बंधुआ मजदूरी का तो आप देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध वाला में भी है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी आपको चाहिए होता है, इसी में है, पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे अधिकार है, जैसे राज्य के बाहर न जाने का भी अधिकार, बाहर जाने का अधिकार है तो नहीं जाने का भी अधिकार है, कोई जबरदस्ती हमारा थोड़ी कर देगा कि तुम चली जाओ। साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दे सकते हैं, उसके विरुद्ध भी, ये नहीं कि भाई चौराहे पे खड़ा करके कोई कांड किया तो वो कर दीजिए। आपने देखा था कसाब को भी जब फांसी की सजा मिली तो उसको भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही मिला, देखिए वो आतंकवादी था, सबको पता था कि उसने आदमी को मारा, बहुत लोगों को जीवन को खत्म कर डाला, लेकिन फिर भी उसको पकड़ करके तुरंत फांसी पे नहीं लटकाया गया, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार चला गया और तब उसको दोषी करार देते हुए फांसी लगा। देख लीजिए कितना बेहतरीन हमारा संविधान है, लिखने वाले को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि ऐसा संविधान उन्होंने लिखा, इतना बेहतरीन लिखा। देखिए संविधान कोई खराब नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं संविधान खराब है, भैया अगर इसको ठीक ढंग से लागू ही नहीं किया जा रहा है इसके सारे प्रारूपों को, तो आप तो बस समझेंगे ना कि अब संविधान हमारा अच्छा नहीं होता। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को इतना बड़ा डिफाइन कर दिया कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अधिकार इसके अंदर में आ गया है, इतना ज़्यादा इसको डिफाइन किया है। तो हमारा संविधान जो है वह लगातार सुधरते जा रहा है, लोगों का अपना भी तो होता है ना, लोगों का अपना जीवन जीने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, लोगों का अपना कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती है, लोगों की कुछ आकांक्षाएं होती है जो बदलती रहती है, उसके अनुसार संविधान में भी कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहना पड़ता है, और हमारा संविधान में तो हो जाता है आराम से, इसीलिए हमारा संविधान बहुत बेहतरीन है। किसी शायर ने भी कहा है कि तुम्हारे हर सवालों का जवाब हूँ मैं भारत का संविधान हूँ। कि संविधान को एक बार जरूर पढ़िए, जीवन में कुछ करिए ना करिए लेकिन संविधान को जरूर पढ़िए, जरूर समझिए, तभी आप अपने अधिकार को समझ पाएंगे और देश के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है उसको भी आप संविधान को पढ़ने से अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब देखिए इसमें और क्या क्या है, इसमें है सूचना का अधिकार, आपको हमने अभी बताया सूचना का अधिकार RTI 19 में भी था, इसमें भी है। साथ ही साथ इसमें पारिवारिक पेंशन का अधिकार भी है, पारिवारिक पेंशन पाने का, सरकार ने पेंशन लागू कर दिया कि 60 वर्ष से ऊपर वाले को पेंशन देंगे तो भेदभाव नहीं करेगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, सबको देगा वो, वहाँ भी है। साथ ही साथ शोर प्रदूषण, ये सब हमने आपको बता दिए हैं, इसी तरह का अधिकार इसमें है। अब मुझे लगता है कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए हैं, अब आप आर्टिकल 21 क को समझिए, इसमें है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन जीने के अधिकार के समान माना गया है। एक शिक्षित व्यक्ति ही जागरूक व्यक्ति माना जाता है, जब वह शिक्षित होगा तो अपने नागरिक अधिकारों को, अपने नागरिक कर्तव्य को ठीक से समझेगा और वह देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होता है, इसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और आप समावेशी समाज का भी विकास तभी कर सकते हैं जब लोगों में शिक्षा हो और वह शिक्षित हो, तभी वह सत्ता की भाषा भी समझेगा, तभी वह सरकार के गलत कामों का विरोध भी कर पाएगा, उसकी आलोचना कर पाएगा और बेवकूफ़ जगह जगह नहीं बनेगा। इसलिए एक जागरूक और अवेयर इंसान बनने के लिए शिक्षित होना परम जरूरी है। भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। इसीलिए भारतीय संविधान 2002 में क्या किया गया, 86वां संविधान संशोधन करके वह उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, बिना फी दिए हुए और एकदम और अनिवार्यता उसको लेना है शिक्षा। साथ ही साथ इससे पहले आपको पता है कि यह DPSP का एक अंग हुआ करता था, राज्य को भी संविधान ने डायरेक्ट कर दिया था, उसको निर्देशित कर दिया था कि भाई तुमको भी ये कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा जो है स्तरीय शिक्षा वह भी निःशुल्क मुहैया कराओ।
लेकिन राज इतना सक्षम नहीं था इसके लिए वह अधिकार नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास पैसे बढ़े गए, हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हुआ भारत का, तो उन्होंने मौलिक अधिकार में रख दिया गया। मौलिक कर्तव्य में भी इसको रखा गया है। आप देखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 51(क)(a) आर्टिकल में आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा गया है प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उसको अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए, यह उसका कर्तव्य होगा। और यह बिल्कुल सही है कि नागरिकों का कर्तव्य भी होना चाहिए, तभी तो 6 से 14 साल के बच्चे जो है वो अधिकार के रूप में उसको मांगेंगे, और राज्य का भी यह कर्तव्य है। आप इसको आप समझ गए हैं। अब हम लोग अच्छा ये देख लीजिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया। 7 साल के बाद आप देखते हैं 2002 में ये हुआ, उसके बाद 2009 में अधिनियम बनाया गया जिसको RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। और इसके तहत सभी सरकारों को ये निर्देशित कर दिया गया कि भैया आप अनिवार्य रूप से अपने यहाँ जो आपको आपका जो बालक है बालिका है उसके लिए शिक्षा मुहैया कराइए, तभी जाकर के माहौल भी बदला है। और देखिएगा कि अब प्रत्येक गांव-गांव में स्कूल खुलते जा रहा है। यहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि विद्यालय बनाना हॉस्पिटल बनाना सरकार का काम है ना सर, हम क्या करेंगे, हमारा काम है मंदिर बनाना मस्जिद बनाना। अरे भाई, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आप चंदा वसूल ही लेते हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वसूल लीजिए, कहीं उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी तो दुनिया और देश के लिए आप एक अमूल्य और बहुमूल्य एक व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे ना। इसके लिए आपको ज़रूरी है शिक्षित होना, इसीलिए मंदिर मस्जिद से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज बनाने पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।